अरे यहाँ दो मिनट तो लगे यार, अंदर तो आई है यार। बैक टू माई ब्लॉग चैनल। तो आज हम जा रहे हैं नोएडा ऑटो एक्सपो में। मॉर्निंग गाइस, तो हम आ गए हैं आज ऑटो एक्सपो में। ये यहाँ का कुछ पार्किंग व्यू है, ये देखिए, स्पेशली पार्किंग के लिए इतनी सारी स्पेस रिजर्व है यहाँ पे। और बहुत दूर चल के जाना है हमको, एक्चुअली पार्किंग दूर में है, बट ठीक है, ये थोड़ा स्पेशियस है तो यहाँ दिक्कत भी नहीं है पार्किंग की, और फ्री पार्किंग है। काफ़ी लोग आए हैं वैसे, एकदम बुरी तरह से भीड़ है। देखते हैं और क्या उसके, ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, अंदर तो भीड़ हो गई। और यहाँ पर IIT रुड़की का कैंपस भी है, IIT रुड़की का शायद ऑफिस वगैरह। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया ऑटो लेने का, थोड़ा दूर है तो ऑटो ले लेते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं फाइनली ऑटो एक्सपो में, देखते हैं। और यहाँ लाइन लगी हुई है, हमको टिकट अलग अलग लाइन है। अच्छा, मेरे पास टिकट है ना, कुछ इसका शो करना है क्या? लाइन लगी है ठीक ठाक लंबी, वहाँ तक लाइन है, उसके बाद वहाँ से एंट्री होगी। तो अभी तो लाइन मूव कर रही है, हम लाइन के साथ साथ मूव कर रहे हैं, देखो क्या होता है। ये पता चला हमको कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए गेट नंबर 2 से जाना है। तो ध्यान रखें, जो भी ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहा है वो गेट नंबर 2 से जाए। गेट नंबर 2 गेट नंबर 1 के बगल में ही है। तो अच्छा है, सर ज़्यादा देर लाइन में खड़े नहीं रहे। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद पता चल गया कि ऑनलाइन के लिए गेट नंबर 2 से जाना है। ये ध्यान दे रहे हैं कि टिकट ऑनलाइन बुक करके फिजिकल टिकट लेना है, उसके बाद उस पर गेट नंबर लिखा हुआ तो वहाँ पे जाके फिजिकल टिकट शो से हमारी एंट्री हो जाएगी। टाइम भी काफ़ी हो गया, लगभग 12:15 हो चुके हैं, लाइन है लंबी। एक गेट पास तो मिल गया है, उसके लिए भी लाइन है काफ़ी। गेट नंबर 2 से एंट्री है, लाइन भी काफ़ी लंबी लगी है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई है। अरे यहाँ 2 मिनट तो लगे यार, अंदर तो आई है यार। ये मास्क भी मिल रहा है, तो किसी को मास्क है तो मास्क भी ले सकते हैं यहाँ से। दिखाए हुए हॉल स्मार्ट, देखते हैं कहाँ पे है क्या है। मैं को लगा था कुछ टेम्परेरी सा कुछ अरेंज होगा, बट ये तो पूरा मॉल के जैसा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो दिस इज ऑटो एक्सपो। तो ये एक गाड़ी, कौन सी है? कोरोला ऑर्टिस। बायोफ्यूल इंजन कार है ये। तो ये बायो इनिशिएटिव से जो जो चीज़ें हैं व्हीकल है ये इनिशिएटिव है, तो सस्टेनेबल। देखिए हुंडई की गाड़ी है, तो
भी आई थिंक ये #HashtagHyundaiA2023, #HashtagIloveHyundai, and #HashtagHyundaiIndia. And three of the top people to have maximum likes on the picture are going. ये कुछ न्यू जनरेशन का Hyundai का रोबोट. Yes, you heard it correctly. We are announcing an Instagram contest. New Alcazar. सभी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है. व्हील बेस सेम है एंड कुछ इसमें नया नहीं दिख रहा है. हाँ वही यहाँ पे कुछ किट्स वर्कशॉप चल रहा है. यहाँ पे सिर्फ किट्स ही अलाउड है. To be in future, we have showcased the different states over here to show it's how it's going to be. Over there, you can see it's our urban air mobility. It's a vehicle we have produced Uber to make it. Over there, we have our purposely built vehicles. These are fully electronic automated pods, which you can travel across the city. And over there, we have our hub that is connecting our ground station to the air station. And now you can also see how our pods are coming in and out of the station, how the vehicle is moving. These are the depictions. Is it 2025? Yeah, not 2025, sir. It's gonna be like taking so long.